तो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 16 रुपए की गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक 5% के करीबन की गिरावट दिखाता हुआ देखने को मिल रहा है। स्टॉक करंट लेवल पर 341 रुपए 65 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इसे स्टॉक के अंदर नीचे में सपोर्ट लेवल है 305 रुपीज। 305 रुपीज इस पॉइंट पर स्टॉक के अंदर एक सपोर्ट लेवल बना और यहां से स्टॉक के अंदर एक रिवर्सल ट्रेंड बनता हुआ नजर आया, जहां पर स्टॉक में एक वन वे तेजी बनती हुई देखने को मिली और स्टॉक ने 394 रुपीज के प्राइस को रिटेस्ट किया। 395 रुपीज के प्राइस को स्टॉक ने पहले भी रिटेस्ट किया था और वहां पर स्टॉक ने एक टॉप बनाया था, तो अब इस स्टॉक के अंदर एक डबल टॉप बन चुका है और ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर एक करेक्शन देखने को मिल रही है। स्टॉक काफी टाइम से देखिए तो एक रेंज बोन में ट्रेड कर रहा है, जहां पर रुकावट रेंज 395 रुपीज पे है तो वहीं पर सपोर्ट लेवल 315 रुपीज के एवरेज बनते हुए नजर आ रही है। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए आप इस स्टॉक में 328 रुपीज जो कि इस पॉइंट पर एक स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते हैं और ऊपर के टारगेट अराउंड 380 रुपीज तक के लिए आप इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म में होल्ड करें। लॉन्ग टर्म के लिए आप 400 रुपीज तक के लिए भी इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म का व्यू बनाना पड़ेगा और शॉर्ट टर्म में तो इस स्टॉक में 380 रुपीज के टारगेट जल्द ही अचीव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, इसमें बाई और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है।